हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आप सभी मंजरीज का इस क्लास में बहुत स्वागत है। हम श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। तो हमने तीन लेसन कंप्लीट किया था, द डियर मोस्ट पर्सन, वी आर स्पॉइलिंग अवर लाइफ एंड फैमिली इल्यूजन। आज हम फोर्थ लेसन पढ़ेंगे, मोर देन एनीथिंग। तो इसका हिंदी में है कि मैं श्री कृष्ण को अत्यधिक सर्वाधिक प्रेम करता हूँ। हाँ, भूमिका आप पढ़ना शुरू कीजिए, इससे पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम ज्ञान के निरंतर से ज्ञान आंजन प्रहलाद महाराज भौतिक जीवन की जटिलताओं के विषय में आगे कहते हैं। वे आसक्त गृहस्थ की उपमा रेशम के कीट से देते हैं। रेशम का कीट अपने ही थूक से बनाए गए रेशम कोष में अपने को तब तक लपेटता रहता है जब तक वह इस रेशम कोष में बंदी नहीं हो जाता, वह वहां से निकल नहीं सकता। इसी प्रकार भौतिकवादी गृहस्थ का बंधन इतना दृढ़ हो जाता है कि वह पारिवारिक आकर्षण रूपी कोष से निकल नहीं पाता। यद्यपि भौतिकवादी ग्रस्त जीवन में अनेकानेक कष्ट है, किंतु वह उसे छूट नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वह सोचता है कि मैथुन भोग तथा स्वादिष्ट भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अनेकानेक कष्टों के होने पर भी वह उनका परित्याग नहीं कर पाता। इस तरह जब कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन में अत्यधिक फंसा रहता है तो वह अपने वास्तविक लाभ के विषय में भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के विषय में सोच नहीं पाता। यद्यपि वह भौतिकवादी जीवन के तीन तापों से सदैव विचलित रहता है, तथापि प्रबल पारिवारिक स्नेह के कारण वह बाहर नहीं आ पाता। वह यह नहीं जानता कि मात्र पारिवारिक स्नेह है, मात्र पारिवारिक स्नेह बस वह अपनी सीमित आयु को नष्ट कर रहा है। वह उस जीवन को नष्ट कर रहा है जो आत्म साक्षात्कार के लिए अपने वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की अनुभूति करने के लिए मिला था। माता जी आगे बढ़ू? प्रहलाद महाराज अपने आसुरी मित्रों से कहते हैं, इसलिए तुम लोग उनकी संगति छोड़ दो जो भौतिक भोगों में आसक्त हैं। तुम लोग उन व्यक्तियों की संगति क्यों नहीं करते जो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर रहे हैं? यही उनका उपदेश है। वे अपने मित्रों से कहते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना सरल है। क्यों? वस्तुतः कृष्ण भावनामृत हमें अत्यंत प्रिय है, किंतु हम उसे भूल चुके हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करता है वह इससे अधिकाधिक प्रभावित होता है और अपनी भौतिक चेतना को भूल जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए श्री प्रभुपाद जो है बहुत ही सुंदर बात बताए। थर्ड चैप्टर जो हमने पढ़ा था पारिवारिक मोह, इसमें हमने पढ़ा था कि प्रहलाद महाराज जो है 5 ईयर ओल्ड है, 5 साल के हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में वो बहुत ही ज्यादा वृद्ध है। और वो अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि देखो भगवान की भक्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है। और ये तुम लोग जो परिवार में, अपने फ्रेंड्स में, अपने माता पिता में, अपने घर में, अपने धन कमाने में जो अपना जीवन बर्बाद करते हो, इससे अच्छा है कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें। क्योंकि इसमें इस पारिवारिक स्नेह में जब व्यक्ति उलझ जाता है तो क्या करता है, जब वो उलझ जाता है तो वो अपना जो सही पहचान है वो भूल जाता है और क्या सोचता है कि वो इसी जगत का है, वो ये शरीर है और शरीर से संबंधित जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं, डिजायर हैं, वही उसके जीवन का लक्ष्य है। लेकिन वो देखता है कि ये उसके जीवन का लक्ष्य नहीं, क्योंकि वो जितनी भी चीजें कलेक्ट करता है तो उसके साथ नहीं जाता। उसका मतलब क्या है कि हम है कौन, प्रश्न होता है,
लक्ष्मी से होता है तो हमारे वैदिक साहित्य जो है वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम भगवत गीता ये हमें बताते हैं कि हम जिस शरीर में है आत्मा और भगवान कृष्ण के पास है अंश। तो जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं भगवान की भक्ति करते हैं तभी हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं प्रसन्न हो सकते हैं खुश हो सकते हैं। तो ये जो चैप्टर 4 है इसका जो शीर्षक ही मुझे कितना सुंदर है कि मैं कृष्ण को अत्यधिक चाहता हूँ आई लव कृष्ण मोर देन अदर। तो पिछले चैप्टर में जब उन्होंने बताया कि किस तरह से परिवार के में अगर हमारे आसक्ति रहती है धन में आसक्ति रहती है तो सब मिल ही पा जाता है कुछ भी जो है वो छूटता मतलब सब कुछ नहीं तो छूट के चला जाता है कुछ भी साथ में नहीं जाता बल्कि और बंधन क्रिएट करता है। इसलिए क्या करना चाहिए तुरंत कृष्ण कॉन्शियसनेस तो कुमारो आज्ञान तुरंत बचपन से ही भक्ति करेंगे क्योंकि अभी हम भक्ति की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अचानक से भक्ति थोड़ी हो जाएगी है ना। जब हम प्रैक्टिस करते हैं जैसे कि अभी आप लोग हैं स्टूडेंट्स दे रहे हैं तो आप लोग जब एग्जाम दे रहे हैं तो आप जैसे कि टेंथ में रहे हैं ट्वेल्थ में रहे हैं जब पूरा साल पढ़ाई किया तभी से एग्जाम दे पाए क्यों हर ऐसा तो नहीं कि अचानक ट्वेल्थ में आपको बैठा दिया गया और आप कुछ आता था और आप फर्स्ट क्लास होकर पास किए ऐसा हुआ था क्या बल्कि आपने साल भर पढ़ाई की होगी उसके बाद आपने एग्जाम दिया होगा राइट जी माता जी और गरिमा सॉरी और कौन है माता जी हम ही है बस एक बार मैं और भूमिका माता जी गरिमा है ना नहीं 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 है माता जी वो नहीं है ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है यानी जो अभी आपने बताया कि नहीं मुझे तैयारी करनी पड़ती थी फिर मैं एग्जाम दे इसीलिए भक्ति की भी तैयारी करनी पड़ेगी तब उससे हम खाएंगे पियेंगे और मौज करेंगे उसके बाद कभी भी अभी तो जीवन जो है अभी तो बचपन है अरे अभी तो हम यंग हैं भक्ति के बुढ़ापे में क्या होता है अगर आप अभी ही आपकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज हमें उपदेश देते हैं कि हमें बचपन से भक्ति करनी चाहिए और भगवान जो है उनसे प्रेम करना चाहिए। तो इसमें शुरुआत में ही आपने देखिए लेसन में प्रहलाद महाराज क्या उपदेश दे रहे हैं कि भौतिक जीवन की जटिलताओं के विषय में बता रहे हैं कि जो गृहस्थ होता है जो भक्ति में नहीं लगा रहता और दिन रात वो केवल इंद्रिय तृप्ति करता रहता है तो वो व्यक्ति का जीवन कैसे होता है रेशम के कीट की तरह। तो रेशम का कीट का क्या एग्जाम्पल है बहुत सुंदर एग्जाम्पल है जैसे जो रेशम का जो कीड़ा होता है जिसके मुंह से लार निकलती है उसे रेशम बनता है तो वो कीड़ा क्या करता है अपने मुंह से जो है वो लार निकालता है और वो जाला जो है वो बनाते रहता है और फिर क्या करता है उस फूक से वो अपना पूरा कोष बनाता जाता फिर वो खुद ही बाहर निकलना भूल जाता है सब जगह अपने आस पास जाल बना देता है और फिर उसी में उलझ कर मर जाता है। उसी तरह जो मेटलिस्टिक लोग होते हैं जो कि भगवान की भक्ति नहीं करते और अपने आप को गृह में लगाए रखते हैं घर घर गृहस्थी में लगाए रहते हैं है ना। तो वो लोग क्या करते हैं जीवन भर अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर से संबंधित लोगों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं लेकिन क्या होता है मृत्यु के समय सब नष्ट कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। तो इसलिए यहाँ पे जो गृहस्थ जीवन है उसमें क्या होता है व्यक्ति भगवान के छोड़ के बाकी सबसे अपना अटैचमेंट करता है और वही अटैचमेंट उसके बंधन का कारण बन जाता है और उसके सफरिंग का कारण बनता है। जीते जी जैसे कष्टों का सामना करना पड़ता है मृत्यु के बाद कष्ट होते ही यहाँ वहीं पर प्रहलाद महाराज जो है वो बताते हैं कि रेशम का कीड़ा जैसे अपने थूक से अपने आस पास वो क्या बनाता है जालाता है बनाते 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 वो अपने बाहर निकलने का रास्ता ही भूल जाता है। यहाँ तो श्री प्रभुपाद दिखाते हैं कि भौतिकतावादी गृह में अनेक कष्ट होते हैं ना तो घर में रहते धन कमाना ऐसे करना डांट सुनना है ना पढ़ाई करना बहुत सी चीजें सारी चीजों में अत्यंत कष्ट होता है लेकिन अनेक कष्ट सह कर भी हम क्या करते रहते हैं इस जीवन को त्यागते नहीं। इस तरह जब कोई पारिवारिक जीवन में अत्यधिक फंसा रहता है तो अपने वास्तविक लाभ के विषय में यानी
भागवत प्रेम के विषय में जरा भी नहीं समझता। और भौतिकता वाले जीवन के जो ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, जैसे दिल्ली में कोरोना फैला हुआ है ना, ये कैसे हो रहा है? हमारे सही दिशा के प्रयास के अभाव के कारण, है ना। हम जो अनैतिकता कर रहे हैं वो उसी कारण ये सब हो रहा है। तो प्रकृति भी अपना प्रभाव दिखा देती है, हमें एक तरह के कष्ट होते हैं, लेकिन हमारा जो पारिवारिक इसमें इतना प्रबल होता है कि उसे बाहर नहीं आता है ना। हम अपनी पूरी आयु बर्बाद कर देते हैं और जीवन नष्ट करते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के लिए अति आध्यात्मिक प्रगति करने से मिलता है। जब हम भक्ति करते हैं किसी अथॉरिटी के पास में हमारा अगर संबंध हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि हम तो अपना जीवन ऐसे ही आहार निद्रा भय मिथुन जो कि पशु जीवन का कार्य है उसमें ही लगे हुए हैं। मनुष्य जीवन जो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला उसके लिए हमने कुछ किया ही नहीं। आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रहलाद महाराज अपने अग्रिम पीछे कहते हैं, इसलिए तुम लोग अपनी संगति छोड़ दो, भौतिक लोगों के पीछे दौड़ते हैं, तुम उन व्यक्तियों की संगति क्यों नहीं करते जो कि भगवान के भक्त कहते हैं। और यही उनका उद्देश्य। अपने मित्र से कहते हैं कृष्ण भावना को प्राप्त करना आसान है क्योंकि कृष्ण भावना जो हमें प्रिय है, किंतु हम उसे भूल चुके हैं, अतः कृष्ण भावना का अनुसार करते हैं और अधिकाधिक प्रभावित होते हैं और अपनी भौतिक चेतना को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज अपने फ्रेंड से कहते हैं कि हमें जो लोग मटेरियल माइंड में लगे हुए हैं, जो आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगे हैं, इसी को जीवन का लक्ष्य समझते हैं, इन लोगों का संग नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवत भक्तों का संग करना चाहिए। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनका संग करना चाहिए, जो कि जीवन के लक्ष्य को जानते हैं, ऐसे लोगों का संग करने से हम अपने जो भूल गए हैं भगवान के साथ अपना रिलेशन, अपना जो पहचान जिसके कारण हम दुखी हैं, वो हमें फिर से प्राप्त हो जाता है। तो फिर आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यदि अपने आखिरी मित्रों को देश निर्मा कहते हैं, यदि आप विदेश में जाते हैं तो आप बाहर घर अपने घर को, अपने परिवार वालों को तथा अपने मित्रों को भूल जाते हैं जो आपको असंग है, किंतु यदि आपको एक एक करके उनकी याद दिलाई जाए तो आपको याद आएगा, हाँ हाँ मैं ऐसे रहता था, मैं बचपन में ऐसा था, इसलिए ये मेरे माता थे या ये मेरे फ्रेंड थे, फिर हमको उनके उनके प्रति स्नेह वापस आता है। उसी तरह से जब हमें कृष्ण के बारे में याद दिलाया जाएगा शास्त्रों के द्वारा, भगवान के चैंटिंग करने के द्वारा, भक्ति करने के द्वारा, तो हमें याद आएगा कि हाँ हम भगवान के हैं और भगवान के प्रेम करते थे और भगवान से प्रेम करना ही हमारा मूल कर्तव्य है, उसी तरह से याद आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जीव जो है भगवान के साथ रिलेशन को भूल गया है और उसकी उसको पुनर्जागृत करने की जो विधि है वो क्या है, कृष्ण। तो इसमें सूचना आते हैं प्रभु प्रभुपाल जी की, मैं तुमको प्यार करता हूँ और मैं या तुम मुझको प्यार करते हो, क्योंकि ये प्रेम के क्षण मंत्र शरीर के करता है, क्योंकि जब कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है इसके मतलब मैं तुमसे प्रेम करूंगा और किसी हर जीव से भी प्रेम करूंगा, क्योंकि माए पापी शरीर के विष्णु से जुड़े हैं। तो सुंदर बात कही है कि जब हम भगवान से प्रेम नहीं करते तो अपने आप को देखना, फिर क्या सोचते हैं कि मेरा देह है और मेरे देह से संबंधित जो लोग हैं यही है, बाकी हमारे दुश्मन है ना। लेकिन जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो न हम केवल अपने आप से या अपने परिवार जनों से प्रेम करते हैं, बल्कि हम सभी जीवों से प्रेम करते हैं, क्योंकि सब जीव को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। और क्या होता है, ये शरीर के प्रति तो हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ श्री कृपा समझा रहे की जो प्रहलाद महाराज है, एक इससे आगे पढ़ सकते हैं, बोलिए आप नेक्स्ट पेज का हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, गौरी पढ़ो जी माता जी। इसकी सुंदर व्याख्या भगवद गीता में हुई है, जो कृष्ण भावनामृत में पारंगत हो जाता है वह इस ब्रह्मांड के हर एक का प्रेमी बन जाता है। जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित पद पर स्थित नहीं हो जाता तब तक विश्व बंधुत्व का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि हम सचमुच विश्व बंधुत्व के विचार को लागू करना चाहते हैं तो हमें भौतिक चेतना की
उपेक्षा कृष्ण भावनामृत के पद पर पहुंचना होगा। जब तक हम भौतिक चेतना में रहेंगे हमारी प्रिय वस्तुओं की संख्या सीमित होगी, किंतु जब हम वास्तव में कृष्ण भावनामृत में होंगे तो हमारे प्रिय सर्व भौम होंगे। प्रहलाद महाराज यही कहते हैं, जड़ वृक्षों से लेकर सर्वोच्च प्राणी तक मैं भगवान अंश परमात्मा रूप में सर्वत्र उपस्थित हैं। जो ही हम कृष्ण भावनामृत भावित हो जाते हैं, भगवान का वह विस्तार परमात्मा हमें प्रेरित करता है कि हम हर पदार्थ को कृष्ण से संबंधित मानकर प्रेम करें। यहाँ पे शिल्प प्रपद हो जाए कि दुर्भाग्य है कि हम भूल गए, लेकिन जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटी करते हैं, भक्ति करते हैं, धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हमें कैसे भगवान से प्रेम करना है। जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें रिलेशन भी महसूस होता है, तो उस तरह से वापस अपने जो कृष्ण प्रेम को जो भूल गए हैं वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। यानी शिल्प प्रपद बताते हैं कि मनुष्य वह या पशु है या कुत्ता है ऐसे देखता है जब हम देहात होते हैं, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हाँ हम हैं, बाकी लोग भी हैं, बाकी जीवात्माएं भी हैं, है सब भगवान के अंश, तो देखने में परिवर्तन आ जाता है। इसी को विश्व बंधुत्व कहते हैं। हम अमेरिकन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, हम रशियन हैं, हम देह बुद्धि में नहीं देखकर हम आत्मबुद्धि में देखते हैं कि सब भगवान के अंश। तो इस तरह से हम विश्व बंधुत्व कर सकते हैं। लेकिन हम तो एक आर्टिफिशियल ढंग से लोगों के अंदर यूनिट को स्थापित करके विश्व बंधुत्व इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जैसे विश्व बंधुत्व इस्टेब्लिश कहने को। तो कौन आप देखेगा, एक अमेरिकन, अफ्रीकन, पाकिस्तानी, सिंधी, ईसाई, सभी तरह के लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं और एक साथ बैठ के पीते हैं, इसको कहते हैं विश्व बंधुत्व। तो प्रहलाद महाराज यही कहते हैं कि जब पेड़ की जड़ को खींचा जाता है तब क्या होता है, पूरा पेड़ अपने आप ही नरिशमेंट कर जाता है। उसी तरह से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, जिनके हम अंश हैं, तभी हम सभी सुखी हो सकते हैं या विश्व बंधुत्व हो सकता है। इसलिए हमारे वैदिक साहित्य में बताया गया है, वासुदेव कुटुंब होता है, सारा जो विश्व है ये वसुदेव यानी कृष्ण का अंश है। इस वाले चैप्टर में श्री प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि मैं कृष्ण को अत्यधिक चाहता हूँ। जब हम कृष्ण को लव करते हैं, ये टेंडेंसी जब यानी भक्ति करते हैं, तो हमारी जो अपनी ओरिजिनल पोजिशन जिसको हम भूल गए हैं कि कृष्ण के अंश हैं, वो हमारी जागृत हो जाती है। और उसके जागृत होने का क्या लक्षण है कि हम सभी के अंदर भगवान के अंश के रूप में सबको दिखने लगते हैं, तो ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाता है ना। जैसे हम जिनसे प्रेम करते हैं अभी, तो उनसे ईर्ष्या नहीं करते ना, बड़ी देखा है आपने कि जैसे मान लीजिए आपकी जी माता जी है ना, और आप बहुत प्रेम करते हैं, तो मान लीजिए कोई गलती करती है तब भी आपको इसको पॉइंट आउट करता है, ऐसे की देखो ये स्कूल नहीं गई, सो रही थी, तो नहीं नहीं उसकी तबियत खराब है ना, इसलिए आप तुरंत बोलेंगे है ना जी माता जी, या कोई भी बात है तो आप उसको ईर्ष्या नहीं करेंगे, वो आपसे अगर आगे निकल जाएगी तो आपको खुशी होगी है ना। उसी तरह से अगर आप जब कभी को कुटुंब या परिवार के लिए देखेंगे, तो कोई गलत भी करता है तो हम उसको क्षमा कर देंगे कि चलो अज्ञानता में हो गया और हम अपने आप को सेव करके अपने चलेंगे है ना। उसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे बल्कि फॉरगिव कर देंगे, कंपैशन आ जाएगा होगा ना ये सर जी माता जी। जैसे इस नरेंद्र मोदी एक बहुत सच्चे कन्वर्सेशन बोल रहे थे इस बार, तो उन्होंने अच्छी एक बात उन्होंने बताई थी कि एक जो लड़की थी वो पहाड़ के रास्ते से जा रही थी ऊपर, तो साधु ने उनको देखा कि ये बस 10 साल की लड़की है और अपने 2 साल के भाई को कंधे पर उठा के चल रही है, और हम लोगों को ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, इतना पहाड़ी इलाका है। तो उससे पूछते हैं कि तुम ये अपने भाई को उठा के जा रही हो और तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही है, तो लड़की जवाब देती है मेरा भाई है ना साधु जी, मेरा भाई है। साधु सबसे लग रहा है उसको बात समझ में आई, तो फिर बोलते हैं ये उस बच्चे को लेकर तुम ऊपर चढ़ रही हो, तुमको दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि नहीं मेरा भाई है ना। तो साधु कहते हैं अच्छा लग रहा है, फिर से समझ नहीं आई, लोग फिर समझाते हैं।
वो लड़की फिर से रुकती है, बोलती है कि हाँ साधु जी आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये मेरा भाई है इसलिए इसका भार नहीं लग रहा है ना, समझ रहे मतलब? जी जी अपनों का भार लगता है? नहीं माता जी, नहीं अपनों का भार नहीं। तो जब हम भगवान को प्रेम करते हैं तो सारी दुनिया के लोग हमारे ऊपर, तो हमें भार नहीं लगता, हमें ईर्ष्या नहीं होती, हमें दुख नहीं होता, बल्कि क्या होता है हम उसको क्षमा करके आगे बढ़ जाते हैं और अपने भगवत प्रेम रूपी लक्ष्य की ओर लग जाते हैं। तो इस तरह से श्री कृपाल जो यहाँ पे प्रकोप दिए हैं और यहाँ पे प्रहलाद राज उपदेश दे रहे हैं कि हमें सर्वाधिक प्रेम किससे करना चाहिए, कृष्ण से, नहीं तो हम फैमिली इल्यूजन में ही रहेंगे, व्यवहार में बुद्धि में ही रहेंगे और सारा कुछ नष्ट करेंगे, मनुष्य शरीर पाकर भी पशु जीवन जिएंगे जो कि आहार निद्रा भय मैथुन में लगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें कृष्ण से प्रेम करना है, सबसे ज्यादा हमें कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, आई लव कृष्ण मोर देन एनीथिंग, ये हमें कृष्ण पर सतत भक्ति में सिखाया है। जो हम चैंटिंग करते हैं भगवान प्रसाद, हम लोग हर चीज भगवान को चैंट करते हैं, भगवान को प्रसन्न रखते हैं और फिर भगवान का ही सब कुछ प्रसाद खाते हैं, है ना जी? थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो माता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। श्री कृपाल की जय, प्रहलाद महाराज की जय, तथा गौरव प्रेमानंद जी हरि हरि बोल।